गाइस नमस्ते आदाब सत श्री अकाल खम्मा गणी वेलकम टू अवर चैनल थिंक लाइक अगेन। आज हम आए हैं हमारी कार के अंदर एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल करवाने ऐसे कार डेकोर जोधपुर में, जो कि सद्दाम भाई की शॉप है। और आप जिन्हें जाते हुए देख रहे हैं, यही सद्दाम भाई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे बलेनों में म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल होने का काम शुरू हो चुका है। ये म्यूजिक सिस्टम की वायरिंग का काम शुरू हो चुका है। ये जो वायरिंग हो रही है, ये कैमरे के लिए हो रही है, और मोस्टली कैमरे की वायरिंग को अंडरग्राउंड ही रखा जाता है। सद्दाम भाई अपने काम को बड़े प्रोफेशन के साथ करते हैं। कैमरे की वायर को ग्लव बॉक्स से निकाल के कार की साइड डोर की जो स्किप प्लेट है उसके अंदर से निकाला जाता है। अब पीछे का टेल लैंप खोला जाएगा। पाइप और टेल लैंप ओपन करने में बड़ी मुश्किल फील हो रही है, क्योंकि ये टेल लैंप फर्स्ट टाइम ओपन हुई है। फाइनली टेल लैंप ओपन हो गया है। अब कैमरे की वायर को इसी टेल लैंप से बाहर निकाला जाएगा। वीडियो पर मौजूद सभी प्रिय दर्शकों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर करें। और वीडियो पर नए दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए कि कार के अंदर कैसे एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है और किस तरह से कैमरे की प्लेसमेंट की जाती है। कैमरे को पावर देने के लिए कैमरे के वायर को टेल लैंप से कनेक्ट किया जाएगा। आप सभी से मेरा एक निवेदन है, वारंटी अवॉइड से बचने के लिए वायर को कट ना करवाएं, हमेशा स्कॉच क्लिप का यूज़ करें। ये जो आप रेड कलर की क्लिप्स देख रहे हैं, इन्हीं को स्कॉच क्लिप बोलते हैं। किसी तरह की कोई वायर कट ना हो, इसके लिए एक्स्ट्रा एडाप्टर यूज़ किया। कैमरे के वायर को म्यूजिक सिस्टम से अटैच करने के लिए पहले म्यूजिक सिस्टम के कपलर से अटैच किया जाएगा। कैमरा वायर को अटैच करने के बाद उसे प्रॉपरली टैपिंग करना चाहिए, जिससे कि किसी तरह की फोल्ड ना हो। अब कार के अंदर एक GPS इंस्टॉल किया जा रहा है, जिसको एंड्रॉइड सिस्टम से अटैच किया जाएगा।
इस जीपीएस को हम कार के डैशबोर्ड के नीचे अच्छे से पेस्ट कर देंगे। ये मैप सेंसिंग का काम करता है। अब वायर को प्रॉपरली टैप किया जा रहा है जिससे कि वायर इधर उधर हिले नहीं, एक दूसरे से प्रॉपरली अटैच रहे। न्यू कनेक्टर को कनेक्ट किया जा रहा है। ऑडियो कनेक्टर को भी प्रॉपरली टैपिंग करेंगे जिससे कि ये अपनी जगह से हिले नहीं और कनेक्टिविटी बनी रहे। अब सारे कनेक्टर्स को एंड्रॉइड सिस्टम से कनेक्ट किया जा रहा है। फाइनली हमारा एंड्रॉइड सिस्टम ऑन हो चुका है। अब हम इसमें सबसे पहले रेडियो चैनल का सेटअप करेंगे। आफ्टर रेडियो चैनल सेटअप, अब इसमें इक्वलाइजर की सेटिंग की जा रही है। अब इसमें स्ट्रिंग माउंट कंट्रोल की सेटिंग होगी। सबसे पहले वॉल्यूम अप एंड देन वॉल्यूम डाउन, नेक्स्ट प्रीवियस म्यूट एंड देन मोड, देन टेलीफोनिक कंट्रोल का सेटअप, जैसे कि कॉल को अटेंड करना, कॉल को कट करना एंड ब्लूटूथ सेटिंग। ये हमारे स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल की सक्सेसफुल सेटिंग हो गई है, जैसे कि भैया चेक कर रहे हैं वॉल्यूम अप करके वॉल्यूम डाउन करके। सिस्टम के अंदर अब एंटीना वायर और जीपीएस वायर का कनेक्शन हो रहा है। देन यूएसबी वायर का कनेक्शन। पर रियर व्यू के लिए रियर व्यू कैमरे की प्लेसमेंट नंबर प्लेट के ऊपर की जा रही है। और ये जो इक्विपमेंट के पास में जो छोटा सा ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये हमारा कैमरा है जो कि नंबर प्लेट के ऊपर प्लेस होगा। सद्दाम बाइक की शॉप जो कि एसएस कार डेकोर के नाम से है, इसकी प्रॉपर लोकेशन जोधपुर में चौपासी रोड अरोड़ा मोटर्स वाली गली के अंदर। जोधपुर शहर में जिस किसी को भी कार एक्सेसरीज का काम करवाना है वो सद्दाम बाई से इस लोकेशन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कार में कैमरे की प्लेसमेंट का काम चल रहा है। हमारे चैनल पे जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।
हमारी कार का रियर व्यू कैमरा नंबर प्लेट के ऊपर यहाँ प्लेस होगा। इसे हम स्क्रू और डबल साइड टेप से पेस्ट करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। कैमरे के वायर को उसके कनेक्टर से कनेक्ट किया जाएगा। फाइनली कैमरे की प्लेसमेंट का काम खत्म हो चुका है। फाइनली सारे वायर जो कि ऑडियो कंट्रोल और कैमरा के वायर हैं, इन सभी को प्रॉपरली टैपिंग की जा रही है। फाइनली हमारे एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम का इंस्टॉलेशन हो चुका है, भाई ने इसको प्रॉपरली फिट कर दिया है। After installing Android system, गाड़ी का इंटीरियर लुक और भी एनहांस हो चुका है। मुझे तो इसका लुक बहुत प्यारा लग रहा है। आपको इसका लुक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन ज़रूर बताना। भाई USB सॉकेट को नीचे प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए USB सॉकेट की प्लेसमेंट यहाँ हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं गाड़ी में एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम आपको इसकी साउंड सुनेंगे। ये जाते हैं सर्च में, सबसे पहले NCS को सर्च करेंगे। NCS म्यूजिक कॉपीराइट क्लेम ना इसलिए ये आ गया NCS। इस सॉन्ग को प्ले करते हैं। ये देखिए साउंड चेक कीजिए।